100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव प्रचार में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन सभी पार्टियों के प्रत्याशियों सहित बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी सिलसिले में गाजीपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गांधी पार्क में एक जनसभा को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री नगर पालिका परिषद गाजीपुर की प्रत्याशी सरिता अग्रवाल और जंगीपुर नगर पंचायत प्रत्याशी विजय लक्ष्मी गुप्ता के चुनाव प्रचार में पहुंचे थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि गाजीपुर में 5 बार से बीजेपी जीत रही है और इस बार छक्का लगाने की बारी है। सपा बसपा कांग्रेस तीनों अंतिम सांसें ले रही हैं। इन लोगों ने राजनीति का अपराधीकरण किया है, राजनीति में जो शुचिता थी उसको बर्बाद कर दिया है। इन्होंने केवल अपनी तिजोरियों को भरने का काम किया है। 2022 के चुनाव में थोड़े थोड़े मतों से हमारे प्रत्याशी हार गए थे, आज हमें उस हार का बदला ले लेना है। जो विपक्ष में थे आप देख रहे हैं उनका क्या हाल हो गया है। सपा का मतलब समाप्तवादी पार्टी, बसपा का कहीं अता पता नहीं है और कांग्रेस को तो कोई भी पूछने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और नगर पंचायतों में कमल का फूल खिलने जा रहा है। सपा बसपा और कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। मैं एक नारा हमेशा से बताता हूँ, 100 में 60 हमारा है और 40 में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हमने योजनाओं का लाभ सभी तबकों को दिया है और यदि अपराधियों पर समय से कार्रवाई हुई होती तो आज गाजीपुर का नाम बदनाम नहीं होता। उन्होंने कहा कि गाजीपुर स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है और इस धरती से जब कोई इस तरह का संदेश निकलता है तो निश्चित रूप से मुझे भी कष्ट होता है। कमल का फूल विकास की गारंटी है। 13 मई सपा बसपा कांग्रेस एक साथ गई। ये सपा बसपा कांग्रेस इनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। कोई जमीनों को कब्जा करता है तो कोई अपहरण का धंधा चलाता है। ये सपा वाले यदुवंशियों को अपनी जागीर समझते हैं। भारी भरकम संख्या में इस बार यादव भी कमल को वोट देने जा रहे हैं। अगड़ा पिछड़ा और अनुसूचित की यदि कोई त्रिवेणी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। अंत में उन्होंने कहा कि मैं आज आपसे वोट का कर्ज मांग रहा हूँ। जिस प्रकार से एक मजबूत सरकार आपने देश और प्रदेश में दिया है, अब गाजीपुर में भी निकाय में एक मजबूत सरकार बनाने की मैं आपसे अपील करता हूँ। 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा। हमारा क्यों है? क्योंकि हमने सबका साथ, सबका व सत्ता में पहुंच करके अपराधियों का संरक्षण करने का काम करते थे। अगर अपराधियों को संरक्षण करने की जगह उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई होती तो आज गाजीपुर का नाम बदनाम न होता, बल्कि सम्मान जो सेना के लिए सबसे अधिक सैनिक उत्तर प्रदेश में अगर किसी एक जिले से जाते हैं तो यह गाजीपुर की धरती है। स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष करने वालों की यह गाजीपुर की धरती है और इस धरती से जब कोई इस प्रकार का संदेश मिलता है तो निश्चित तौर से मुझे भी कष्ट होता है और आपको भी कष्ट होता होगा। लेकिन अब ये बदलाव का समय है, यहाँ कमल खिलाने का समय है। कमल का फूल विकास की गारंटी है। ये सपा बसपा कांग्रेस, इनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। कोई अपना वोट बेच करके अपनी तिजोरी भरता है, कोई अपराधियों को संरक्षण करके जमीन मकान दुकानों पर कब्जा करता है, अपहरण का उपयोग चलाता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का काम करती है। हमें झांसी से लेकर के झांसी तक चल रही है, चारों तरफ कमल का फूल खिल रहा है। 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर चेयरमैन और भारी संख्या में पार्षद हमारे जीतने जा रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, किसानों के लिए समर्पित है। नौजवान से वोट के रूप में कर्ज मांग करके जा रहा हूँ। यद्यपि जनपद के अंदर इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां शक्तियां हैं जो तमाम। गाजीपुर से यूपी न्यूज 9 के लिए प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।